सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में 25/7/2020 को राजीव नगर पुलिस स्टेशन पटना में एफआईआर दर्ज की गई थी उनके फादर कृष्ण किशोर सिंह के द्वारा। वो एफआईआर अंडर सेक्शन आईपीसी के तहत 306, 341, 342, 380, 406, 420, 506 और 120B के तहत हुई थी, जिसके विशेष में मैं बात कहूं तो 306 आईपीसी है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इज एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स। 341 जो के है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 342 है पनिशमेंट फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट जिसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर, 380 सेक्शन जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो है थेफ्ट यानी चोरी जो घर में की गई हो, जिसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है अप टू 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद 406 इज पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है इज ऑफ 3 ईयर्स। 420 जो कि चीटिंग है जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है अप टू 7 ईयर्स। 506 जो कि है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स की दी गई है। और उसके बाद 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी है। ये सब प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड के तहत सुशांत सिंह राजपूत के फादर के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवारजनों के ऊपर आक्षेप किए गए हैं। ये एफआईआर के तहत पटना पुलिस स्टेशन जो जांच कर रही थी उसके बाद 6 अगस्त 2020 को ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब सीबीआई ये इसके अंदर जांच कर। सुशांत के पिता के द्वारा जो सीबीआई में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मुख्य ये आरोप लगाए गए हैं कि रिया चक्रवर्ती जो 2019 में सुशांत सिंह के संपर्क में आई जब सुशांत सिंह बॉलीवुड की बुलंदियों पर थे, सुशांत सिंह ने से उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाए और उसके परिवारजनों के साथ भी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ाई। सुशांत सिंह राजपूत जहाँ पे रह रहे थे उस घर में उनको ये कह के हटाया गया कि वहाँ पे कुछ भूत प्रेत हो रहे हैं और उसकी बुरी असर सुशांत सिंह पे पड़ रही है और इसके वजह से सुशांत सिंह को कोई अन्य एयरपोर्ट के बाजू के रिसोर्ट में ले गए और वहाँ पे रिया चक्रवर्ती के सारे परिवारजन के साथ सुशांत को रखा गया और सब उनको ये बताते थे कि आप बहकी बातें कर रहे हैं और आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए आपको इलाज की ज़रूरत है। सुशांत की बहन भी उस समय सुशांत से मिलने के लिए आई थी और उसको वापस ले जाने के लिए भी बताया, लेकिन आरोप के हिसाब से रिया और उसके परिवारजनों ने सुशांत को वापस जाने नहीं दिया और मुंबई में ही उसका इलाज करने के लिए उसको फोर्स किया। इलाज के लिए रिया उनको अपने ही घर ले गई और डॉक्टर की दवाइयाँ लेकर उनको ओवरडोज देती रही, जिनसे उनकी मानसिक संतुलन और बिगड़ती गई। रिया ने उनके ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया और उनके सारे नज़दीकी कर्मचारियों को भी बदल के रिया के खुद के कर्मचारियों को उनके काम पे रख दिया। रिया ने उनका मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया और जब भी सुशांत को कोई भी रोल आता था तो रिया ये शर्त रखती थी कि उसको मेन लीड रोल में अगर काम मिलेगा तो ही सुशांत फिल्म में काम करेगा। इसके वजह से सुशांत का फिल्मों से काम भी कम हो गया और सुशांत को उसके परिवार से कम्प्लीटली कट ऑफ कर। 2020 की साल में सुशांत सिंह फिल्म लाइन छोड़कर कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहते थे, जिनमें उनका दोस्त भी उनके साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए तैयार था। रिया को ये बात से सहमति नहीं थी और वो इस बात का विरोध कर रही थी और जब रिया को लगा कि सुशांत उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो रिया ने उनको धमकी दी कि वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे और मीडिया में बता देंगे कि वो पागल है। सुशांत फिर भी उनकी बात न माने पर रिया ने 8 जून 2020 को जब सुशांत और रिया साथ में मुंबई के फ्लैट में रहते थे वहां से रिया ने उसका पूरा सामान, उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके बैंक डिटेल्स, उनके आम डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चली गई और रिया के मोबाइल फोन पे सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि सुशांत सिंह रिया से संपर्क में ना रहे। उसके बाद सुशांत ने उनकी बहन को ये बात बताई कि रिया उनको धमकी देकर गई है कि वो उनका मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश कर देंगी, मीडिया में बता देगी कि वो पागल है और उसको कहीं फेक केस में फंसा देगी। उसी दिन रात को 8 और 9 जून 2020 को
सुशांत की सेक्रेटरी दीशा सालियान ने सुसाइड करने की बात मीडिया में आई, जिसके तहत सुशांत सिंह बहुत ही घबरा गए और उनको लगा कि रिया उसको ये आत्महत्या के केस में फंसा देगी। सुशांत की बहन सुशांत के साथ मुंबई में रहने भी आई, उनको हौसला भी दिया और उनको काफी समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, और 3-4 दिन उनके साथ रहने के बाद उनकी जवाबदारियों के तहत उनको वापस जाना पड़ा, जिसके 2 दिन के बाद यानी 14 जून 2020 को सुशांत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत के पिता ने रिया व उसके सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी, बेईमानी और उनके आर्थिक फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया है और सुशांत को सुसाइड करने पर मजबूर किया है, ये एलिगेशंस के तहत एफआईआर दर्ज की है। उनके मेन कंटेंशन जो ग्राउंड्स उन्होंने लिखे हैं एफआईआर में वो यह है कि रिया ने उनको उनकी नाजुक घड़ी में 8 जून 2020 को सारा कैश, ज्वेलरी, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सारे इंपॉर्टेंट कागजात लेकर वो उनको छोड़कर चली गई और पिछले 1 साल में उनके कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में से करीबन 15 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफर हुआ है ऐसे खातों में हुआ है जिनका सुशांत के साथ कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उनका फायदा किसको हुआ है, किसके कहने पे हुआ है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन करके ये उसकी सच्चाई बाहर आने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है और ये सच्चाई बाहर आनी चाहिए। सुशांत एवं उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके चाहकों को भी पता चलना चाहिए कि सुशांत की सुसाइड कैसे हुआ, क्या कारण था, और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CBI तटस्थ रूप से अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये सब चीजें बाहर जरूर आएगी। और मैं आशा रखता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर, इम्पार्शियली और अच्छी तरीके से हो, इसलिए सच्चाई सबके सामने आए।